हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लीजिए। गैर कर राजस्व है, उधारी। किन्स के सिद्धांत का संबंध, प्रभावपूर्ण मांग। बजट रेखा की प्रवणता, ढाल -P2/P1 है। भारत में 1 रुपए का नोट निर्गमित करता है, कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? तो स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है सामूहिक मात्राओं से। अवसर लागत, त्याग की गई इकाइयों की संख्या, ये हमारी अवसर लागत है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले वाले में 1 वर्ष हो जाएगा, दूसरे वाले में संकीर्ण, तीसरे वाले में 18%, चौथे वाले में 5, पांचवें में समरूप, छठवें में मुद्रा स्मृति। सत्तर सत्तर क्रमशः देख लेंगे। पहला सही है हमारा, दूसरा सही, ये गलत, सही सही, ये गलत और ये गलत है। ये हमारे सत्तर सत्तर सही जोड़ी देख लेंगे। ये हमारी सही जोड़ी दी गई है। तो MPS, ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, क्रमशः देख लेंगे। टिक लगे हुए हैं 6 के 6। एक वाक्य में उत्तर, पहले वाले में जो प्राप्ति उपभोग की संख्यात्मक मान प्रदान करता है, दूसरे वाले का ये उत्तर है, तीसरे वाले का हमारा, बताना है त्रुटि और लोप किसे कहते हैं, चौथे वाले का ये, पांचवें वाले का ये दिया गया है, और छठवें वाले का आय विधि, उत्पादन विधि और मूल्य विधि है। क्रमशः छठवें से क्वेश्चन ये दिए गए, उपभोग फलन किसे कहते हैं? समग्र मांग की दो घटक लिखना है। न्यून मांग के दो कारण, अत्याधिक मांग से क्या अभिप्राय, प्रभावपूर्ण मांग क्या है ये देख लेंगे। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं? लाभ किसे कहते हैं? औसत उत्पादन किसे कहते हैं? उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? अदृश्य हाथ किसे कहते हैं? बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं? ये 13वां क्वेश्चन हमारा। ये 14वां क्वेश्चन, वैयक्तिक आय किसे कहते हैं? अथवा वाला देख लेंगे। SLR किसे कहते हैं? उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है? ये 16वां क्वेश्चन है हमारा। कौन सा है? 16वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन ये दिया गया है, क्रमशः सभी क्वेश्चन देख लेंगे इन्हें। 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, ये 20वां क्वेश्चन है, ये 21वां, 22वां, ये हमारा लास्ट 23वां क्वेश्चन देख लेंगे।